नमस्कार, बना जाओ चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो सीखते हैं पनीर पराठा, ये बहुत ही हेल्दी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बना जाओ पर बनाते हैं आज पनीर पराठा। बना जाओ चैनल पर आपका स्वागत है। आज सीखते हैं पनीर पराठा। पनीर पराठा दो तरह से बताएंगे, पनीर वेज पराठा और सिंपल पनीर पराठा। उसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्ची किसी हुई, गाजर किसी हुई, मूली थोड़ी सी किसी हुई, फूल गोभी थोड़ी सी, अदरक और हरी मिर्ची और पनीर किसा हुआ, इतना सामान चाहिए। तो पहले हम आटा लगाते हैं इसके लिए, पराठा बनाने के लिए। आटा मैंने छान के ले लिया है, आपको जितने पराठे बनाना है उतने पराठे का आटा ले लेना। अब इसमें नमक डालेंगे आधी चम्मच छोटी, थोड़ा सा घी डालेंगे एक चम्मच, आटा को मैं मिला लेंगे, अब इसको गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, जैसे रोटियां बनाते हैं उतना गीला गूंदेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाएंगे। और थोड़ा पानी डालेंगे, अपने हिसाब से डालते जाएं और मिलाते जाएं। इस तरह से आटा इस प्रकार से गूंदना है, इतना गीला चाहिए। ये गून चुका है, बिल्कुल चिकना गूंदना है, कहीं से क्रैक्स नहीं दिखना चाहिए, जिससे हमारे पराठे फटेंगे नहीं। अब इसमें थोड़ा घी लगा लेंगे और चिकना करेंगे, जिससे ये सूखेगा नहीं आटा। और इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इस तरह से जब तक हमारा आटा रेस्ट पर है तब तक हम पनीर की तैयारी कर लेते हैं। पनीर में मसाले मिलाएंगे, मसाले में थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा, चाट मसाला, इसमें थोड़ा नमक रहता है, नमक थोड़ा फिर कम डालें, चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्ची, क्रश करके कसूरी मेथी, इससे खुशबू अच्छी आती है, थोड़ा सा गरम मसाला। इस तरह से सादा नमक, थोड़ा सा चाट मसाले में नमक रहता है इसलिए थोड़ा डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्ची, अगर बच्चे नहीं खा रहे हों तो हरी मिर्ची भी डाल लें। अब इसको मिला देंगे, मिला के रख लेंगे
ये हमारा पनीर का मसाला, सिंपल पनीर का मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें से आधा मसाला निकाल देंगे, आधा इसमें सब्जी मिलाएंगे। आधा पनीर निकाल लिया है, अब इसमें गाजर थोड़े से, फूल गोभी किसा हुआ बारीक, शिमला मिर्ची, थोड़ी सी मूली, आप सब्जियां जो भी खाते हैं पत्ता गोभी वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी सब्जी जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक। अब इन सब इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे सब्जी के हिसाब से और इनको मिला देंगे, फिर हाथ से मिलाइए, अच्छे से मैश कर दीजिए, ये हाथ से ही मैश होगा, अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार होगा हाथ से मिलाने पे। देखिए लड्डू बनने लगे, इस तरह से तैयार करें। अब हम पराठे बनाएंगे, तो गैस जलाएंगे, तवा गरम होने देंगे, पहले वेज पराठा बना के बताऊंगी, उसके बाद सिंपल पराठा। आटे के गोले बनाएंगे, जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतना बड़ा गोला बना लेंगे, इसका कटोरी जैसा गोल गोल करेंगे इस तरह से। अब अपना मसाला जो मिक्स किया था उसको भरेंगे, आटे को थोड़ा कटोरी की तरह कर लेंगे और मिक्सर को थोड़ा गोल दबा के इस पे भर लेंगे, जितना आप भरना चाहो उतना भर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाला ही इसमें टेस्ट देगा। अब इस तरह से भर लेंगे, अच्छे से भरेंगे, फिर धीरे धीरे दबाते हुए इसको फोल्ड करेंगे, बंद करेंगे, इस तरह से पूरा पैक कर देंगे इस तरह से, फिर थोड़ा हाथ से दबा देंगे दोनों तरफ से। अब सूखा आटा लगा के इसको धीरे धीरे बेलेंगे, इस तरह से दबा के इसको बेल देंगे, आराम से बेलेंगे जिससे ये फटे नहीं, बहुत ज्यादा आटा नहीं लगाना है सूखा। इस तरह से पूरा पराठा बेल लेंगे, पराठा बेलकर तैयार है। अब इसको हम तवे पर डालेंगे, मीडियम आंच पर डालेंगे, तब तक ये हमारा पराठा सिक रहा है, दूसरा पराठा बनाएंगे। इसमें हम सिंपल वाली पनीर भरेंगे, आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हो, उससे कलर अच्छा आएगा। पराठा दोनों तरफ सिक चुका है, अब हम इसमें घी लगाएंगे, आप घी या तेल जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर ही सेकेंगे, पलट देंगे, इधर भी लगाएंगे, दबा दबा के सेकना है। तब तक दूसरा सिंपल पराठा पनीर का बना लेंगे, भर के अच्छे से भरेंगे और इसको भी उसी तरीके से बंद कर देंगे।
सूखा आटा लगा के इसको बेल देंगे। मसाला अच्छे से भरेंगे तो पूरे में मसाला फैलेगा। ये सिक्कर तैयार है। अब सादा वाला पराठा, सादा पनीर मसाला, इसको भी नीचे सिकने देंगे। इस तरह से गोले बनाएंगे। और भर देंगे, भरेंगे। धीरे धीरे सेकेंगे। अब इसको भी पलट देंगे, घी लगाएंगे। ये देखो चारों तरफ ये सिका है, इस तरह का सिका होना चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप नाश्ते में भी इसको बना सकते हैं, कभी भी बनाइए। अच्छा हेल्दी नाश्ता भी है ये, प्रोटीन से भरपूर बढ़िया नाश्ता। सब्जियां हैं, पनीर है, बढ़िया। ये देखो फूल भी गया है पूरा। इस तरह से दबा दबा के सेकना है। देख कितना अच्छा सिका है। आप इसी तरह से सारे पराठे सेक लेंगे। एक तरीका और है भरने का, वो भी मैं बता रही हूँ। चारों तरफ दिख रहा है, इतना मसाला होना चाहिए पराठे में। अब दूसरा तरीका भरने का, जिसको भरना अभी नहीं आता है, नए नए हैं जो बच्चे नहीं बना पाते, उनके लिए है ये। ये दो गोली बनाइए और इनकी दो रोटी बेल लेना। इसको पलट देंगे, इस तरह की दो रोटी बेल लेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं, ना ज़्यादा मोटी और बहुत ही पतली नहीं, एक बराबर की दो रोटी बेल कर रख लेंगे। एक बराबर की बेलेंगे, एक साइज की। ये रोटी एक बेल ली है, इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे बीच में, किनारी छोड़ देंगे। और इस पर ये मिक्स मसाला जो है इसमें फैलाएंगे, इस तरह से पूरा मसाला चारों तरफ फैला देंगे, इस तरह से। जो बच्चे नए नए हैं, नहीं बना पाते हैं,
उनके फट जाते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे तो अच्छे पराठे बनेंगे और आराम से बना भी लेंगे। और पराठे को हमेशा दबा दबा के सेकना है, जिससे हमारे पराठे अच्छे क्रिस्पी सिकते हैं। इस तरह से सेकते जाएंगे। ये मैंने फैला दिया है। अब इसके ऊपर अब ये दूसरी रोटी रखेंगे। इसके किनारे पे पानी लगा देंगे थोड़ा चिपकाने के लिए, जिससे ये मसाला बाहर नहीं आएगा। थोड़ा पानी लगा के इसके ऊपर ये रोटी रख देंगे और इसको दबा दबा के चिपका देंगे, इससे ये मसाला बाहर नहीं आएगा और आराम से ये भर जाएगा। दोनों तरफ से आप दबा दीजिए, सिक जाएगा। ये पराठा हमारा बन गया है। अब इसको सेकेंगे। इसमें भी आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो रोटियां बेलकर ये वाला पराठा हमने भरा है। जो बच्चे नहीं बना पाते वो इस तरह से दो रोटी बेलकर उसमें उसमें भर के आराम से बना सकते हैं। इससे अच्छा पराठा बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा बना है, फटा भी नहीं है और आराम से बन गया है पराठा, सिक चुका है। अब हम आपको इसको काट के बताती हूँ, दिखाऊंगी। पराठे हमारे दोनों तरह के बन गए हैं। इसको काट के दिखाती हूँ कैसा मसाला है। अंदर गरम है इसलिए काटने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अंदर से, ऐसा पूरे में फैल गया है। आप दो रोटी बेलकर इस तरह से भी बना सकते हैं। पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं। एक बार आप लोग ज़रूर बनाएं और हमारी रेसिपी कैसी लगी पनीर पराठे की, ज़रूर बताएं।